पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन इत्तेहाद ने गैर कानूनी कांटा पर भत्ता खोरी करवाने के खिलाफ आज प्रेस क्लब पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद देखते हैं अंदर बोस्तार की ये रिपोर्ट। इसके अलावा जो ऐसे टूल प्लाजे है जो तमाम रोडों पे लगा दिया गया है, जिस जिसका एरिया है हर कब्जा माफिया ने अपना अपना टूल प्लाजा लगा दिया, तो मेन ये है कि वो टूल प्लाजे को भी खत्म किया जाए। असल में भारत में वो बुनियादी इशू है जो हमारे कराची पोर्ट ट्रस्ट से कराची पोर्ट ट्रस्ट से एक बड़ा दरीना मसला हमारा चल रहा है कि TPX है जो कराची पोर्ट की जगह, जिससे कराची पोर्ट दारू के मामले में पाया गया है, लेकिन उस TPX की इतनी खस्ता हाली है, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, कोई भी ट्रेलर या गाड़ी वहाँ पे जाती है तो किसी का एक्सल टूट जाता है, किसी का इंजन गिर जाता है, किसी का रेडिएटर टूट जाता है। ये करोड़ों रुपए का नुकसान पिछले 10 साल से ट्रांसपोर्टरों ने किया है। तो अब ट्रांसपोर्टरों का मुतालबा है जाती है, तो अगर गाड़ी 500 पार्क हो जाएगी तो रोड के ऊपर कोई भी गाड़ी जो है वो जाम नहीं होगा, ट्रैफिक जाम नहीं होगा और लोगों के लिए आसानी पैदा होगी। मेहरबानी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, इस तरह के ये जो लिंक रोड बना था ये था सुपर हाईवे को मिलाने का एक जरिया, ये कुछ अर्सा पहले बहुत अर्सा पहले बल्कि पाकिस्तान स्टील ने बनाया था, उसके बाद इसको ये बहुत खस्ता हाल था, डी ब्लॉच को इसका ठेका दिया गया। ये टोटल एरिया जो है ये 22 किलोमीटर एरिया है, इसका 7 किलोमीटर एरिया बना के इन्होंने वहाँ पर टूल टैक्स भी लगाया और एक कांटा लगाया है जिसको सिंध गवर्नमेंट ने इनको इजाज़त दी है कांटा लगाने की। इन्होंने अपने इशू बता दिए हमारे, लेकिन SAPT का मामला जो है इसमें पूरी किमाड़ी जो रहायशी लोग हैं वो बड़े मुतासर हैं, तो गवर्नमेंट से बड़ी दर्दमंदाना अपील है कि भाई इसके ऊपर कुछ ना कुछ लाजमी कर दें, और चेयरमैन KPT से ख़ास तौर पर के कि भाई ये एक जगह पड़ी हुई है वहाँ पे SAPT के पास, तो उसको हमें एज ए पार्किंग इस्तेमाल करें, हम पार्किंग फ़ीस देने के लिए भी तैयार हैं, हर गाड़ी पार्किंग फ़ीस देने के लिए तैयार है, इसके बावजूद भी अगर फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा तो क्या मसला है। रोड पे जो गैर कानूनी आ गया उसको ख़त्म किया जाए, हमने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया, अगर 72 घंटे में ये काउंटर डिमोलिश नहीं हुआ तो हम वहाँ पे जाके धरना देंगे और वो धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये काउंटर डिमोलिश नहीं हो जाए। हम ये कहेंगे कि आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उस कांटे के हवाले से थी जो लिंक रोड पर कैंप किया, और इस कांटे के ऊपर हमारे ट्रांसपोर्टर से ज़बरदस्ती 5,000 रुपये जुर्माने के नाम तौर पर दिए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये सिलसिला फौरी तौर पर बंद हो जाए, इसी वजह से हम सरापे एहतजाज हैं यहाँ पर, और 72 घंटे का जो नोटिस हमने दिया है वो भी इसी वजह से दिया है कि अगर 72 घंटे के अंदर गवर्नमेंट आज खुद इसको रोक दे तो अच्छी बात है, वरना फिर ट्रांसपोर्ट हमारी अपनी है, हम उस सड़क का बाइकाट करेंगे जिस सड़क के ऊपर ये जुल्म हो रहा है, हम अपना कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे, अपनी ट्रांसपोर्ट को वहाँ नहीं भेजेंगे।